तो दोस्तों ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये है पहला वीडियो का, ये दूसरा पार्ट। क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप लोगों के मन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डर है, उस वीडियो में आप लोगों का लगभग 80% 70-80% खत्म हो गया होगा देखने के बाद। ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं इसमें रहने वाला है रिकवरी एजेंट्स और सिविल के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ये वीडियो अगर देखोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का 100% डर, जो 20-25% बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो वीडियो जो है पूरा ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर आप लोगों को मैंने बताया था टॉप लोन एप्लीकेशन से, अगर मानो आप लोग लोन लेते हो, मल्टीपल लोन एप्लीकेशन है या फिर एक दो में लोन लिए हो, मतलब एक से ज्यादा होने से ही वो मल्टीपल ही बोला जाता है। मानो कि एक लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो, डिफॉल्ट कर गए हो, आप लोगों के मन के अंदर डर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने क्रेडिट बी से लोन लिया है, किससे भी लिया है, ट्रेडोफिना से भी लिया है, मतलब इसमें जितना भी है सभी से लोन लेके बैठा हुआ है। उनके मन में डर है कि क्या होगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, पहले ही मैंने बता दिया था कि डाउनलोड्स आप लोग देखो, डाउनलोड्स का रेशियो आप देखो 50 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन, उससे भी ज्यादा। तो आप लोग समझो, अगर मानो इतना डाउनलोड्स है तो लोगों ने भी इतना लोन लिया होगा, तो सभी के ऊपर लीगल एक्शन लेना क्या पॉसिबल है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने बता दिया कौन सा वो लोन एप्लीकेशन है जिसमें वो प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें से सिर्फ ईसीएस जो है वो ईसीएस ही आप लोगों को दिक्कत दे सकता है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। अगर ईसीएस है तो उसका जो है जल्दी से जल्दी पेमेंट करने की कोशिश करिए, सेटलमेंट करने की कोशिश करिए, पूरा पेमेंट करना नहीं है, सेटलमेंट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर बात। जो दूसरा पार्ट जो कि ये वीडियो है इसका आप लोगों को बताने वाला हूं, रिकवरी एजेंट्स और सिविल के ऊपर, ठीक है। रिकवरी एजेंट्स क्या आ सकता है और क्या सिविल में इफेक्ट कर सकता है, कैसे सिविल को हम इंप्रूव करें। देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को बता दूं, ये जो भी लोन एप्लीकेशन का नाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जितना भी 24-25 लोन एप्लीकेशन है, ये सभी जो है यहां पर आरबीएस लाइसेंस है, ठीक है। अगर आरबीएस लाइसेंस है वो सिविल पर इफेक्ट करेगा 100%। जितना भी लोन एप्लीकेशन देख रहे हो इसमें जो भी है, ये सारा कुछ जो भी है, ये मैं एक ही बार में बोल रहा हूं, हाँ आपका सिविल में इफेक्ट करेगा, वो 100% जो है इफेक्ट करेगा ही, जितने भी लोन एप्लीकेशन है इसमें। और यहां पर मेन जो बात है, सिविल को छोड़ दीजिए, सिविल खराब होगा ही, ऐसे ही हो गया खराब, और यहां पर मेन दिक्कत आता है वो है रिकवरी एजेंट्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रिकवरी एजेंट्स जो है ये क्या घर पे आ सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा कुछ डिटेल आप लोगों को मतलब आप लोगों के मन के डर होता है कि क्या हो सकता है आपके साथ, ये रिकवरी एजेंट्स क्या घर पे आ जाएगा, तो एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने यहां पर बता दिया, यहां पर क्रेडिट बी इसका रिकवरी एजेंट्स क्या घर पे आता है, तो इसका परसेंटेज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसका जो भी है 50-50% है, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बहुत सारे लोगों के पास गया है, नहीं भी जा सकता है। दूसरा जो लोन एप्लीकेशन है उसका नाम है किस्त। किस्त का क्या रिकवरी एजेंट आ सकता है, इसका देखिए बहुत सारे लोगों के घर पे गया है, 80-20 का जो भी है परसेंटेज बता रहा हूं, 20% नहीं भी जा सकता है, 80% जा सकता है, ठीक है, इसका जो है आप लोगों को बता दिया। उसके बाद ट्रेडोफिना का आप लोग समझ लो यहां पर 70% नहीं जा सकता, 30% जा भी सकता है, ठीक है। ट्रू बैलेंस अभी तक मैंने नहीं सुना, ये जीरो। स्मार्ट कॉइन जीरो। एम पॉकेट से लीगल नोटिस आता है, लेकिन रिकवरी मतलब कभी कभार मैंने सुना है, लेकिन इसको मैं 1% में दे सकता हूं, ठीक है, 1% मैंने सुना है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मनी व्यू नहीं। बडी लोन इसका तो एक बार भी नहीं सुना। कैसी इसका भी नहीं आता। पे यू रूपिक इसका तो सुना ही नहीं नाम, ठीक है, किसी के मुंह से कि ये आ सकता है ऐसा कोई। पॉकेटली इसका 2% आप लोग समझ लो, गया भी होगा नहीं भी, अब इसको मतलब समझ लो कि भाई जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, ठीक है, मतलब एकदम ना जाने का बराबर है। यहां पर ब्रांच का जीरो ही बता दूं, ठीक है, इसमें मैंने नहीं सुना। नीरा नवी इसमें आप लोगों को जीरो बता रहा हूं, यहां पर कोई भी आने वाला नहीं है। रूपी रेडी का भी जीरो है। स्टैसफिन का भी नहीं आता, लेकिन उसमें मैंने आप लोगों को रेड डॉट दिखाया था, रेड सिग्नल दिखाया था, इसमें फिर से मैं आप लोगों को वही रेड डॉट दिखाने वाला हूं। आखिर मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए नाम देखिए समझ में आ जाएगा। इसका मैं बता दूं आएगा 100%, ये 100% आएगा। आप जहां कहीं भी हो, आपका घर अगर पाताल में भी है तो वो ढूंढ के निकालेगा, इतना बड़ा जो है। यहां पर आप लोग देख सकते हो सबसे ज्यादा जो है इसका मिलियंस डाउनलोड से, देखो 100 मिलियंस किसी में इतना है एकदम, इसमें इतना डाउनलोड। यहां पर आप लोग देख सकते हो उसके बाद वाला जो है
जिसका नाम है लेजी पे, इसका मैंने नहीं सुना। जीरो। होम क्रेडिट कभी कभार आ सकता है, इसको मैं 5% दे सकता हूं, ठीक है। उसके बाद रिंग, रिंग का जो है मैंने नहीं सुना है, जीरो। मोबीक्विक का भी नहीं आया है। तो यहां पर आप लोगों को मैंने बता दिया है कि कौन सा लोन एप्लीकेशन से आपके घर पे रिकवरी एजेंट्स आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता। अगर आपने लोन लिया है तो आप लोगों के मन के अंदर डर रहेगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता है। अगर मानो ज्यादा जो आप लोगों को डर लग रहा है तो आप लोगों को मैंने बता दिया सारा कुछ डिटेल। और सिविल का बात यहां पर है, सिविल सभी में जो है इफेक्ट करेगा। जितना भी यहां पर आप लोग सिविल का नाम देख रहे हो, यहां पर सभी में जो है यहां पर सिविल इफेक्ट करेगा। यस यस ऑल आर यस, ठीक है। ये सब कुछ जो है यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। ये सभी में जो है आएगा, ये 100% गारंटी है, ये आएगा ही। आप लोग देख सकते हो सभी में, ये सिविल में खराब, सिर्फ सिविल जो है खराब करेगा ही सभी। अब सही करने का तरीका, आप लोगों को सबसे पहले लोन क्लोज करना होगा। लोन क्लोज करने के बाद वो अकाउंट हिट करना बंद कर देगा कि आपका सिविल खराब हो रहा है, वो हिट करना बंद कर देगा। आप एक ऐसा लोन लीजिए जिसमें आप लोगों का सिविल जो है रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे कि आपको एसी खरीद सकते हो, वॉशिंग मशीन खरीद सकते हो, घर का जो भी सामान होता है जैसे कि फ्रिज वगैरह हो सकता है, या फिर आप लोगों का जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, टीवी वगैरह, इसमें जो है सिविल देखा नहीं जाता। और आप लोग टाइमली अगर चुका दोगे तो फिर से जो है आपका सिविल 300 से 750 तक पहुंच जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। फिर से लोन ले सकते हैं इन फ्यूचर, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को मैंने सारा कुछ डिटेल बता दिया। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो 80% आप लोगों के मन के अंदर डर था, इस वीडियो में आप लोगों का पूरा डर जो है खत्म कर दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।